सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को, और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम लोग व्हाट्सएप को गूगल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? गूगल सर्च हम लोग व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये संभव है गूगल पे, और ये संभव होता है बॉट के द्वारा। हम लोग बॉट के माध्यम से गूगल को बॉटनेट के साथ कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल को यूज कर सकते हैं, और भी कई सारी की फैसिलिटी जो गूगल पे हम लोगों को मिलती है, जैसे ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेट करने का, सर्च करने का, विकिपीडिया का, वो सारा काम हम लोग व्हाट्सएप पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाता हूँ कि किस तरह से व्हाट्सएप पे हम लोग गूगल को सर्च कर सकते हैं, उस पर ट्रांसलेशन यूज कर सकते हैं, विकिपीडिया यूज कर सकते हैं, और इस तरह की कई सारी जानकारी हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो चलिए आज मैं बतलाता हूँ कि किस तरह से हम लोग व्हाट्सएप पे गूगल सर्च कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, विकिपीडिया यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन का टाइमिंग देख सकते हैं। कई सारी फैसिलिटी है जो हम लोग व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं गूगल के अलावे, गूगल के सपोर्ट से। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, एक खास नंबर है, उस नंबर को आपको व्हाट्सएप में आपका जो भी ग्रुप है, जिस ग्रुप में भी आप चाहते हो कि आप उस गूगल सर्च कर सकें, या डिस्कशन के दौरान, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रुप में डिस्कशन करते रहते हैं, उस दौरान हम लोगों को किसी टॉपिक पे आपको गूगल सर्च करना होता है तो हम लोग अलग से जाकर सर्च करते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको बतला रहा हूँ कि किस तरह से अपने ग्रुप में भी एक खास नंबर को ऐड करके और आप गूगल सर्च कर सकते हैं, या फिर किसी ट्रांसलेशन करना हो तो वो कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको दिखलाता हूँ, सपोज हमें सर्च करना है नरेंद्र मोदी, तो ये जैसे ही हम लोग इसमें सर्च करते हैं, ये नरेंद्र मोदी के बारे में सारा डिटेल्स आ जाता है। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है हम लोगों को व्हाट्सएप पे मिला हुआ, कि हम लोग अपने किसी भी ग्रुप को बॉट्स से कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करके गूगल का इस्तेमाल हम लोग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। बॉट बेसिकली रोबोट सबसे बना हुआ है, इसमें आपको ऑटो कॉन्फिगर कर दिया जाता है, ऑटो रिप्लाई यहाँ पे आप लोगों को मिलने लगता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने सर्च किया नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी से संबंधित जितना भी डिटेल्स था वो हम लोगों को मिल गया। उसी तरह से यदि हम चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे सर्च करें विकिपीडिया पे जाकर, तो जैसे विकी लिख कर यदि हम लोग टाइप करते हैं साइबर फॉरेंसिक, तो यहाँ पे आपको साइबर फॉरेंसिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है विकिपीडिया पे वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, जितनी भी डिटेल्स हैं ये सारा विकिपीडिया पे जो भी उपलब्ध है वो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। उसके अतिरिक्त यदि हम लोग चाहते हैं कि किसी भी वर्ड का हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखें तो वो भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे ट्रांसलेट लिखते हैं, और उसके बाद यदि हिंदी में करना हो तो हम लोग लिखते हैं यहाँ हिंदी, उसके बाद लिखते हैं हाउ और यू, तो यहाँ पे ये ट्रांसलेट होके हम लोगों को हिंदी में बताता है कि ये इसका हिंदी क्या होगा। जैसे देखिए, यहाँ मैंने लिखा था हाउ आर यू, तो ये बतला रहा है कि क्या हाल है। इसी ट्रांसलेट स्पेनिश, ट्रांसलेट स्पेनिश, यदि स्पेनिश में हम लोगों को ट्रांसलेट करना हो, जैसे हेलो लिखते हैं तो ये स्पेनिश में कैसे, स्पेनिश लैंग्वेज में उसे हम लोग क्या बोले, होला। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फैसिलिटी और हम लोगों को मिलती है, यदि हमारे पास कोई ट्रेन है, ट्रेन का टाइमिंग है और डिटेल्स देखना है तो हम लोग यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। जैसे ट्रेन, उसके बाद जो भी आप, जिस भी ट्रेन का आपको डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पे ऐसे टाइप कर दें, इसका डिटेल्स भी हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है।
देखिए ये यहाँ पे बतला रहा है कि ये जो डिटेल्स है आपको बतलाता है कि ट्रेन का स्टेटस क्या है, करंट लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग अपने व्हाट्सएप पे बहुत ही आसानी से गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं, विकिपीडिया सर्च कर सकते हैं, ट्रेन का टाइमिंग देख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को व्हाट्सएप पे ही मिल जाती है, इसके लिए अलग से हम लोगों को गूगल सर्च नहीं करना पड़ता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा कि किस तरह से हम लोग अपने खुद का बॉट नंबर क्रिएट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये जितना भी डिटेल्स दिखलाया है, ये किस नंबर को अपने ग्रुप में ऐड करने पे ये काम करेगा, ये डिस्क्रिप्शन में मैं उस नंबर का लिंक दे दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।